वेलकम टू सौरा कैसेट सर। رحم الله من قرأ الفاتحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم اجمعين من ليلتنا هذه الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتاب المبين واصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون صلوات پڑھیں اللهم صل على محمد ایک بار سورہ حمد اور تین بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شہید آیت اللہ باقر النمر شہید جنرل قاسم سلیمانی شہید ابو مہدی المہندس شہید ڈاکٹر محسن فخری زادہ سائنسداں اور مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب مرحوم کی روح کو اصال ثواب کر عزیزان محترم، آج کی یہ مجلس
एक यादगार बरसी की मजलिस है और इसमें तीन नाम तो बरसी ही वाले हैं। पहला नाम जो सऊदीया में जिनकी शहादत वाक़ हुई, हुकूमत सऊदीया ने जिन्हें कत्ल किया, वो शहीद आयतुल्लाह बाकरुन नेमर। दूसरी और तीसरी शहादतें वो भी बरसी की हैं, वो हैं जनरल कासिम सुलेमानी और जनरल अबू मेहदी अल मुहंदिस। तीसरी शहादत ज़ाहिर है वो बरसी नहीं है बल्कि उसे आप चेहलुम कहा जा सकता है, वो है मोहसिन फ़ख्रीज़ादा की। और चौथी वफ़ात है जनाब डॉक्टर कल्ब सादिक साहब की। इसे डिफ़ाइन करना ज़रूरी इसलिए था, वाज़े करना ज़रूरी था कि बात एयर से जा रही है तो सुनने वाले को कभी भी कोई मुगालता न हो तारीख का, इसलिए इसे मैंने वाज़ह किया। इसमें जितने नाम हैं ये सब तारीख साज नाम हैं जिन्होंने तारीखें बनाई हैं और पिछली तारीखों को जिन्होंने बदला है। डॉक्टर कल्ब सादिक साहब ये आपकी निगाहों के सामने रहे हैं, मगर एक ये बदकिस्मती है हिंदुस्तान की जिससे मुझे बड़ी नफरत है। मुझे, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, एक बदकिस्मती है हिंदुस्तान की, फिर जुमला दोहरा रहा हूँ, जिस बदकिस्मती से मुझे बड़ी नफरत है, और वो ये है कि जब जिंदा कोई रहता है तो उसके साथ खड़े नहीं होते, मर जाता है तो कसीदे पढ़ने लगते हैं। कम से कम डॉक्टर कल्ब सादिक साहब को मैं 30-35 बरसों से तो बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और इस 30-35 बरसों में उनकी खिदमात किस तरह से गुजरती रहीं या वो क्या काम करते रहे, सबकी निगाहों में जिस तरह था मेरी निगाह में भी था, लेकिन जिस तरह मरने के बाद मुसलसल उनके लिए सेमिनार और मजलिसें और तस्करे और अखबार और रसायल मुसलसल जारी हैं। आज 45 दिन होने को आ गया, तकरीबन 40-45 दिन कोई दिन नागा नहीं जा रहा है। अगर उनकी हयात में भी, अगर उनकी शान में ऐसे ही कोई सेमिनार प्रोग्राम हो रहा होता तो शायद वो एक नहीं 5 यूनिवर्सिटी बना चुके होते। और कर रहे हैं आप काम, इसलिए नहीं आदमी कर पाता हिंदुस्तान में कि जब यहाँ कर रहा होता है तो नक्काद खड़े हो जाते हैं, लेग पुलर खड़े हो जाते हैं, टांग खींचने वाले खड़े हो जाते हैं, परेशान करने वाले खड़े हो जाते हैं, और फिर उन्हीं परेशान करने वालों को मैंने मरने के बाद कसीदा पढ़ते हुए सुना। अब वो ये ऐसे थे और वैसे थे और वैसे थे। अब जाहिर है कि ये वोट जो मुर्दा को दिया जाएगा उससे कोई फायदा नहीं है। अगर ये वोट जिंदगी में उन्हें मिलता पूरे हिंदुस्तान का और हर जमीयत का, तो जाहिर है कि वो और हिम्मत से और अच्छा काम कर लेते। कह दी ये बात इसलिए, ये भी बात एयर से हवाओं के दोष पर लोगों के कानों तक पहुंच जाए, शायद कल नहीं सीखा तो अब सीख जाए, और काम करने वालों को तलाश करें, काम करने वालों के साथ खड़े हों। तनकीद बुरी चीज़ नहीं है, मगर तनकीद मुस्बत होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। पॉजिटिव तनकीद हो, उसके साथ खड़े हों, देखें
गलत हो तो मुंह पे कहें कि ये गलत है, प्रूफ करें कि ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। और काम करने वाले को भी उसे तस्लीम करना चाहिए कि जो हमने गलत किया, भाई इंसान है तो गलती तो होगी ही, उसे तस्लीम करना चाहिए और उसे फिर दुरुस्त करना चाहिए। इसलिए कि हम सब इमाम जमाना को अपने जमाने के जवाब दें, हम सब जवाब दे हैं, हमें जवाब देना है, अपने इमाम के हुजूर भी जवाब देना है और रोज़े महशर भी जवाब देना है। डॉक्टर कल्बे सादिक साहब जिस ओहदे और मनसब के आदमी थे, बात शायद पहुंच जाए, जिस ओहदे और मनसब के आदमी थे, आपने कभी उस ओहदे और उस मनसब और उस स्टैंडर्ड के एतबार से उनमें कोई रख रखाव देखा? दाढ़ी बहुत सजी बनी, बाल बराबर के कतरे, टोपी कलफदार, कबा प्रेस की हुई कभी देखी? इसलिए कि जो काम करना चाहता है वो निगाह काम पे रखता है अपने ऊपर, और जो अपने ऊपर निगाह रखता है वो जिंदगी में कभी कोई काम नहीं कर पाता। इसलिए कि भाई वक्त तो एक ही है, उस वक्त को चाहे अपने ऊपर खर्च कर लो और चाहे उस वक्त को कौम के लिए खर्च कर लो। उन्होंने कभी कलफदार टोपी नहीं लगाई, कभी बहुत प्रेस की हुई कबा नहीं पहनी। कभी देखा उनका पैजामा बहुत प्रेस किया हुआ, कलफदार कड़क नहीं। बात सिर्फ वही है कि वो निगाह अपने ऊपर नहीं रखते थे, वो निगाह कौम की खिदमत पर रखते थे, कौम के टारगेट पर रखते थे। आपसे आपके आयतुल्लाह, आपके मर्जा, आपके का मतलब यहाँ तकरीबन सभी 99% आयतुल्लाह है सिस्तानी मद्दज़िल्लाहुल्ली अल्लाह उनके सेहत व सलामती में वसत पैदा फरमाए और उन पर रहमत नाजिल फरमाए, सभी उनके मुखल्लिद हैं यहाँ पर। उन्होंने आपसे मुतालबा किया है और मुतालबा ये है कि अब ये ज़माना बैठने का नहीं है, ये ज़माना कुछ करने का है, खड़े होने का है, खड़े होने का है, कुछ करने का है। तो उनका मुतालबा यह है कि तुम करोगे क्या, ये नहीं उन्होंने कहा कि ये करो, बल्कि उन्होंने ये कहा है कि तुम जो करो, जिस शोबे में रहो, अगर तजारत कर रहे हो तो हमें टॉप पे नजर आओ, अगर मेडिकल कर रहे हो तो बड़े डॉक्टर बनो, वकालत कर रहे हो तो बड़े वकील बनो, इंजीनियरिंग कर रहे हो तो बड़े इंजीनियर बनो। इसलिए कि जब तुम्हारा हदफ आगे होगा तो तुम आगे बढ़ोगे, और जब तुम मरकज पर और सरफराज और सरबुलंद रहोगे तो सारी दुनिया तुम्हें देख के कहेगी ऐसा अली का चाहने वाला होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। ये सारी तमहीद की लफ्ज है जो मेरे नतीजे से जुड़ती चली जाएंगी। बाकर और नेमर, शहीद नेमर, वो भी एक एहसास शख्सियत थे और उन्होंने सऊदीया की तारीख बदली, कुर्बानी तो दे दी, जान तो दे दी, मगर जिन खित्तों में कि कभी सदाए या हुसैन मुमकिन नहीं था, वहां शाहराह पे जुलूस निकलवाया। और कर रहे हैं आप, जहां हैया अला खैरिल अमल और अशहदु अन्ना अलीयुन वलीउल्लाह का गुमान नहीं किया जाता सकता था, वहां उन्होंने हैया अला खैरिल अमल की सदा राइज कर दी, तारीख बना दी,
अभी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, शायद 10 दिन या 15 दिन होने को आ रहे हैं कि वो मस्जिद कि जिसमें शहीद नमाज पढ़ाया करते थे, जहां से उन्होंने तारीख बनाई, उस मस्जिद को सऊदीया हुकूमत ने ढा दिया। जब तुम निजाम इस्लामी जहां हो वहां मस्जिद महफूज न रह सके तो किसी दूसरे मुल्क में अपनी मस्जिद क्या बचा पाओगे? क्या बचा पाओगे? किस मुंह से खड़े होगे? कहां से वो ताकत ले आओगे? कहां से वो हिम्मत ले आओगे? तुम खड़े नहीं हो सकते, तुम में हिम्मत नहीं है। और अगर वाकई तुम में लिल्लाहियत लिल्लाहियत है, इसलिए कि जिस मस्जिद से, जिस इमारत से कहो, जिस इमारत से माइक लगाकर 4 तकबीर बुलंद कर दी जाए, अब वो मस्जिद है। मैं तवज्जो है, ये मैं मंजर मंजर को लफ्ज दे रहा हूं कि मंजर में जिस इमारत से 4 तकबीरों की आवाज आए, हर चलने वाला समझ जाएगा कि ये मस्जिद है। और कर रहे आप, और जब मस्जिद है तो मस्जिद अल्लाह की होती है, न शिया की होती, न सुन्नी की होती, न बरेलवी की होती। तवज्जो है, मस्जिद अल्लाह की होती है। और मस्जिद को ढाने वाला अब रहा के खानदान से माना जाएगा। भाई तवज्जो है, सलावत पढ़े मोहम्मद। तमाम नेट के ऊपर वो मंजर नजर आएगा कि जहां बुलडोजर ने, जेबीसी ने, क्या जेसीबी, क्या जेसीबी ने नोच नोच करके मस्जिद को मुनहदिम कर दिया, मुनहदिम कर दिया। हुकूमत मुतमईन हो गई होगी कि जिस जगह से ये सदाए अली वलीउल्लाह राइज हुई, हमने वो मस्जिद गिरा दी। उन बेवकूफों को ये मालूम ही नहीं है कि इमारत तोड़ी जा सकती है, किरदार कत्ल नहीं किया जा सकता। इमारत तोड़ी जा सकती है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। किरदार कत्ल नहीं किया जा सकता। और जो शहीद ने किरदार दे दिया है और जिसकी बुनियाद डाल दी है, दुनिया मुस्तकबिल में उसका तमाशा देखेगी और जुल्म यह देखेगा कि जो बीज आयतुल्लाह नमर ने बोया था वो कितना तनावर दरख्त हो चुका है। 3 शहीद हमारे और हैं, एक ही तारीख के, एक ही मंजरनामे के। अभी हाल फिलहाल में जिन्हें शहीद कर दिया गया वो थे साइंसदान मोहसिन फखरी ज़ादा। बड़ा साइंसदान था जिसने ईरान की जो स्ट्रेटेजिकल लाइन थी उसमें वो रीढ़ की हड्डी का काम करते थे। और क्या आपने, हम आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि जालिम ने कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन नुकसान पहुंचा तो दिया, जुमला पहुंचना चाहिए, ये अली के चाहने वाले हैं। नुकसान पहुंचा दिया ना, मगर जालिम को समझना चाहिए कि ये अली के चाहने वाले हैं। इन्होंने अपने प्लान इमामत से अख्स किए हैं, इन्होंने अपने प्लान इमामत से अख्स किए हैं। अगर कूफे में अली को शहीद कर दोगे, हसन जिंदा हो जाएगा। हसन को शहीद कर दोगे, हुसैन खड़ा हो जाएगा। हुसैन को शहीद कर दोगे, सैयद
उस वक्त जाहिर है कि ये बड़ा नाम है मोहसिन फखरीज़ादा का, और इस पर मैं क्या कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि ये सारे प्लान जो होते हैं वो किसी मुल्क के सीक्रेट होते हैं, किसी मुल्क के ये सीक्रेट प्लान होते हैं। बात फ्री टू एयर जा रही है तो मैं अपनी बात को इस अंदाज से रखना चाहूँगा कि हमारे हिंदुस्तान के पास भी एक कीमती नाम था, है ना, अब्दुल कलाम। एक कीमती नाम था अब्दुल कलाम, जिसे हिंदुस्तान की जमहूरियत ने बउनवान एजाज सदर ममलिकत बनाया, है ना, बउनवान एजाज सदर ममलिकत बनाया। तो उन्होंने हिंदुस्तान की हुकूमत को बैटल फील्ड की, मैदान जंग की एक बड़ी ताकत दी। बात इसकी नहीं है, बात इसकी नहीं है कि वो किसी मुल्क के साइंदा थे और हम किस मुल्क के बाशिंदे हैं। बात यहां नेशनलिटी की नहीं है, बात यहां इल्म की है। मेरा जुमला नहीं पहुंच सका शायद। बात यहां नेशनलिटी की नहीं है, बात यहां इल्म की है। जो इल्म का दोस्त होता है वो अली का चाहने वाला माना जाता है, जो इल्म का दुश्मन होता है वो अबू जहल का मानने वाला माना जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद। ये काम कोई अकेले नहीं होते, ये होता है टीम वर्क, इसमें कोई होता है मेन दिमाग। वो दिमाग थे मोहसिन फखरीज़ादा। जिस तरह कासिम सुलेमानी टारगेट थे, उसी तरह उसी ज़माने से मोहसिन फखरीज़ादा भी टारगेट थे इसराइल के। वजह क्या थी? इसलिए कि जब ये असलहों के पुजारी जब अब आप नहीं सुन रहे हैं तो हम सुना नहीं पाएंगे, और कर रहे हैं अब जब किसी असलहे का बुत लेके ये असलहों के पुजारी जब किसी नए असलहे का बुत लेके जमाने को डराने के लिए निकलते थे, तो ईरान का कोई भी मुजाहिद अली का नाम लेके बुत शिकन बन जाता था। ये एक जुमला नहीं है, पूरी तारीख पढ़ दी अजीजों में। बुत शिकन बन जाता था, अमरीका को अपने बेड़ों पे बड़ा नाज था, बड़ा नाज है ना। अभी चाइना के बॉर्डर पे उसने बेड़े लगाए थे, 3-4 महीने पहले की बात है, तो बड़ा हंगामा था उसी कोरोना ही के जमाने में। वो बॉर्डर के ऊपर इनके बेड़े रन करने लगे। जब बेड़ों की धमकी दी तो ईरान ने एक मखसूस मिसाइल ईजाद किया, जिस मिसाइल का तसव्वुर भी दूसरी दुनिया के पास नहीं था। ये बात पहुंच रही है, जिस मिसाइल का तसव्वुर भी दूसरी दुनिया के पास नहीं था। मुसलसल तो हर मुल्क मिसाइल जो है वो टेस्ट कर रहा है, 300 मील है ना, हाँ 300 मील, 600 मील है ना, 1000 में भी जा रहा है। तो ये सारे मिसाइल जो है आपने देखे कि यूं उड़ता है और आकर के टारगेट पर गिरता है। तो अमेरिका ने ये समझा कि हम जो अपने बेड़े बनाएंगे
वो एंटी मिसाइल सिस्टम का बनाएंगे। मिसाइल आएंगे तो उन्हें हम हवा में तोड़ देंगे। मिसाइल आएंगे अगर वो कहीं डैश भी करेंगे, कहीं लगेंगे भी, तो एंटी मिसाइल सिस्टम रखेंगे हम उसकी बॉडी में कि वो उसे तोड़ ना सके, उसके पराखचे ना बना सके। अब जुमला पहुंच सके तो मैं जल्दी से बढ़ जाऊं आगे जुमला कह के कि पूरे अमरीकी इसराइली साइंसदान अपने बेड़े को लेके आसमान के मिसाइलों पे निगाह रखे थे। ईरान ने समंदर में पानी में मार करने वाला मिसाइल बना दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद। उनकी निगाहें आसमानों पर थी और ईरान ने, अब समझ में आया कि मोहसिन क्यों खटकता है। मैं जुमला पहुंचा, मोहसिन ये फितरत इंसानी रही है कि मोहसिन खटकता ही है। बेदा रही है तुम्हें बात करूं, ये फितरत इंसानी रही है, दुश्मनों की फितरत रही है कि मोहसिन खटकता ही है, चाहे मोहसिन इस्लाम हो या मोहसिन ईरान हो। सलावत पढ़े मोहम्मद। तीसरा और चौथा नाम जो शहादत की तारीख बनाने वाला है, अबुल महदी अल मुहंदिस और कासिम सुलेमानी। सैकड़ों मजलिसें आप सुन चुके होंगे और सुनी हैं आपने, बहुत ज़्यादा क्या गुफ्तगू करूँ, मगर कुछ बातें करना चाहता हूँ। अबुल महदी अल मुहंदिस, अल मुहंदिस जो है ये उनका नाम नहीं है, ये उनका मनसब है। मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को, यानी जैसे डॉक्टर कल्ब सादिक, तो डॉक्टर नाम नहीं है, ये उनका मनसब है, तालीमी मनसब है। वैसे ही अबू महदी ये उनका भी नाम नहीं, ये उनकी कुन्नियत है, जैसे अरब में कुन्नियत चलती है। उनका नाम जाफर था और कुन्नियत अबू महदी थी, यानी महदी के बाप, और अल मुहंदिस उनका मनसब था, यानी वो इंजीनियर थे। उन्होंने इंजीनियरिंग की और फिर पीएचडी तक गए थे। वो उन्होंने इंजीनियरिंग में, अबुल महदी ने पीएचडी की थी। बड़ी तवील तारीख है उनकी ज़िंदगी की। वो पैदा ही हुए थे मुजाहिद। बहुत आसानी से जुमला मत लीजिएगा, वो पैदा ही हुए थे मुजाहिद। दौरे तालिब इल्मी ही से वो बाकरुस सदर के साथ थे, शहीद बाकरुस सदर के साथ। और शहीद बाकरुस सदर ने जो सद्दाम हुकूमत के खिलाफ एक पार्टी बनाई थी, ये उसके अंदर शामिल थे। उसके बाद फिर बाकरुल हकीम के साथ रहे, जो गोया उसी शोबे के इनकलाब के एक रुख थे। उसके बाद फिर कुवैत चले गए, वहाँ भी जा कर के वो एक इनकलाबी गरोह के साथ रहे। वहाँ इनके ऊपर फांसी की सज़ा हो गई अबुल महदी पर, तो वो वहाँ से ईरान चले आए और फिर उन्होंने वहाँ यहाँ आकर के अपनी तालीम बढ़ाई। और फिर वहाँ से जब इराक़ आए तो हिजदुशाबी के चीफ तक पहुँचे। ये इनकी मैंने मुख्तसर सी तारीख आपके सामने बयान कर दी, यानी ये है इनकी ज़िंदगी का सफ़र जो बड़ा वसी है, बड़ा वसी है। तो ये पैदाइश ही इनकलाबी थे, इन्होंने बचपने ही से ठान ली थी
कि सब बर्दाश्त करेंगे, जुल्म बर्दाश्त नहीं। और कर रहे हैं नहीं, जुमला पहुंचा कि सब बर्दाश्त, भूख बर्दाश्त करेंगे, प्यास बर्दाश्त करेंगे, परेशानी बर्दाश्त करेंगे, सब बर्दाश्त करेंगे, मगर जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसीलिए इनको जुस्तजू थी कि हमें कोई हमारे जैसा मुजाहिद मिले जो जुल्म बर्दाश्त ना करे। वहां उन्हें जुस्तजू थी और यहां कासिम सुलेमानी को अलैहिर्रहमा को ये प्रोजेक्ट दिया गया कि आप इराक जाइए और तहफ्फुज़े इराक के लिए वो शख्स तलाश कीजिए जिसमें जुल्म न बर्दाश्त करने की सलाहियत आए। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाद, फिर मैं लफ्ज़ें जोड़ रहा हूँ, अब तो बहुत आम हो चुकी हैं क्लिप्स, और बात क्लिप पर ही अब चल रही है, मगर यहाँ ज़रा ठहर के मैं दो बातें कर लूँ, बात आ गई क्लिप पर जहन में तो अर्ज कर दूँ। पहली चीज़ कि रिजा फाउंडेशन के तहत जो भी हमने खिदमतें की, अगर उसे लिखा जाए या उसके पेपर दिखाऊं तो बहुत तवील है। हमने सैकड़ों में मरीजों का इलाज कराया है, सैकड़ों में, दहाई में नहीं, दर्जन में नहीं, सैकड़ों में मरीजों का मैंने इलाज कराया है, मगर 31 दिसंबर से मैंने इलाज का ये सिलसिला बंद कर दिया बिल्कुल। इस सब्जेक्ट को क्लोज कर दिया, इसकी मीटिंग कर ली, इसको हमने क्लोज कर दिया। वजह यही कोविड बना। हालांकि इस कोविड के अंदर मैंने हर तरह से काम किया, इलाज के हवाले से भी खिदमत की है मैंने, और इमदाद के हवाले से भी खिदमत की है, और नाकाबिल बयान हद तक की है, मगर हमारा बयान मिजाज नहीं है। मैंने कभी आपसे कोई पैसा मांगा नहीं है, किसी भी तरह का कोई पैसे का हमने आपसे मुतालबा किया है नहीं किया है, न कल किया था, ना आज करूंगा, ना इंशाल्लाह आइंदा करूंगा। अब मैंने एक दूसरा प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसका हदफ ज़रा मुख्तलिफ है। अरदा फाउंडेशन के तहत तो काम मैंने जो इलाज का ही कर रहा था वो बंद कर दिया, वजह यही कोविड बना। जाहिर है कि वो हालात ही बिल्कुल मुख्तलिफ हो चुके थे, और इसमें कुछ हादसात भी हुए, हमारे कुछ साथियों का इंतकाल भी हुआ है जो हमारे साथ थे जुड़े हुए। बहर कैफ अब मैंने एक सिलसिला अलग शुरू किया है, और वो सिलसिला शुरू किया है, उस सिलसिले के तहत हमने एक माहनामा उर्दू और हिंदी में मग़फ़िरत के नाम से शुरू किया है। फिर जुमला दोहराऊं, मैंने कभी आपसे कोई पैसे का मुतालबा नहीं किया है और अभी भी नहीं करूंगा। अभी भी जो मैंने माहनामा शुरू किया है तो मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूं, कुछ दे रहा हूं तो कीमत ले रहा हूं। और कह रहा हूं मैं आपसे चंदा नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे कुछ चंदा दे दीजिए, नहीं, मैं आपको कुछ दे रहा हूं। ये हो सकता है कि आप कहें कि आप वो चीज़ हमें दे रहे हैं, मेरे हाथ बेच रहे हैं कि जो मुझे पसंद नहीं है, ये हो सकता है। मगर एक बात बताऊं, 5 करोड़ की शियों की आबादी में 50,000 रसायल सारी जबानें मिलकर के भी नहीं शाया होते, हिसाब लगाइए, आप लोग बेहतर जानते हैं। गुजराती, बंगाली, इंग्लिश, उर्दू, समझा आपने, हिंदी सब मिला के, कश्मीरी सब मिला के भी बड़ा डाटा है, 50,000 भी अखबारों रसायल नहीं निकलते, 50,000 भी खरीदार नहीं है 5 करोड़ में। सोचिए कि हम कहां पे खड़े हुए, आप क्या अपनी कोई जबान बना पाएंगे, हुकूमत के पास आप अपना क्या मीडिया लेके जाएंगे, आपके पास प्रिंट मीडिया नहीं है, आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया नहीं है,
मेरा हदफ इस रिसाले से कोई रिसाला बाजी नहीं है। मैं एक हदफ लेके चला हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उस हदफ तक पहुँच जाऊँ या कामयाब हो जाऊँ, मगर मेरा हदफ ये है कि मैं कौम के मसाइल की एक ज़बान बनूँ। अभी तक किसी रिसाले ने इस सब्जेक्ट पे बात नहीं की है और नहीं कर रहा है। खिलाफत पे मजमून मिलेगा, शहादत पे मजमून मिलेगा, है ना, इमाम हुसैन नंबर मिलेगा, शहजादी ज़हरा नंबर मिलेगा, मगर कौमी मसाइल के ऊपर कोई गुफ्तगू नहीं होती। मेरा हदफ ये है, अभी ये पहला शुमारा आया है, अब आप चाहिए कि हम अगले ही शुमारे से इसमें लग जाएं, तो हमारी कोशिश है कि लगेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं लगेंगे, मगर पहले हमें एक फिगर नज़र तो आए कि हम काम किस तरह करें। मुझसे कहने वालों ने ये कहा है, इसलिए कह रहा हूँ कि भाई आप तो मुबारकपुर से जुड़े हुए हैं जो इतने सारे काम करा देते हैं, महफिल मजलिस ये वो, तो क्या आपके रिसाले को स्टैंड नहीं करा सकते? ये हमारे अहबाब का तबसरा है। तो मैंने तुमसे वादा कर लिया कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो स्टैंड करा देंगे। गौर कर रहे हैं, मुझे सिर्फ 100 के अंदर ही, 100 तक भी पहुंच जाए तो सब्सक्राइबर यानी खरीदार चाहिए, खरीदार चाहिए, चंदा देने वाला नहीं चाहिए। खरीदारी हमारे यहाँ दो किस्म की है, एक तो यह है कि 200 रुपये दे करके आप 4 शुमारे के खरीदार बन जाइए, साल में 4 ही शुमारा आएगा, और दूसरे ये कि आप 500 दे करके उसके खरीदारी मेंबर बन जाएं, तो फिर और जितने आर्टिकल भी उसमें छपेंगे उसके तहत वो सब आपको फ्री ऑफ कास्ट उसी में दे दिए जाएंगे। गौर कर रहे हैं आप, अब आप ये चाहिए कि मैं एक एक घर जाऊं आपके, तो मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, ये मैं शायद वक्त इतना नहीं, मुझे कोई तकल्लुफ़ नहीं आने में, आप जानते हैं मैं कहीं भी चला जाता हूँ, मगर ये कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं इतना वक्त नहीं निकाल पाऊँगा, लिहाजा हो सकता है ज़फ़र मेहदी के हाथ आपके यहाँ रिसाला भिजवा दूँ, अब्दुल्कासिम के हाथ भिजवा दूँ, जवादी के हाथ भिजवा दूँ, किसी भी हाथ आप तक रिसाला पहुँच सकता है। चाहता यही हूँ कि एक कौमी ज़ुबान कायम करूँ, और ये हदफ मेरा जाएगा एजुकेशन प्लान तक, और करें आप ये जाएगा एजुकेशन प्लान तक। देखिए बात कहाँ से यहाँ तक चली आई, फिर वहाँ मैं आपको लेके चलूँ कि आपने नेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर तो बहुत सारी चैटिंग चल रही है, बहुत सारी क्लिप्स आ रही हैं, बहुत सारे पैगाम आ रहे हैं, बहुत सारे उसमें आपने कासिम सुलेमानी को देखा होगा। कोई एक आदमी भी ये बताए कि उनकी जो ड्रेस पहनते हैं, कोई एक फिगर भी प्रेस किया हुआ ड्रेस है? आपने दूसरे, भाई बात इतने हल्के मत लीजिएगा, मैं कुछ पढ़ रहा हूं, कुछ आपको मुतवज्जे करा रहा हूं, इसमें मेरे नौजवान साथ देंगे क्योंकि यही ज्यादा मोबाइल बाज है। अब इसे क्या कहिए कि बुजुर्ग भी अब मोबाइल बाजी की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, अल्लाह उन्हें मुबारक करे, तो ठीक है मोबाइल बाजी करे अच्छी चीज है, मगर नौजवान, मैं सारे नौजवानों को कसम दे के कहता हूँ, जितनी क्लिप देखी है, फिर मैं आपको याद दिलाऊं, आपने दूसरे ममालिक के भी जनरल कर्नल देखे होंगे, तो देखे होंगे उनके बैज कितने चमकते हुए, उनकी हैट कितनी चमकती हुई, उनका लिबास कितना, और ये अल-कुद्स ब्रिगेड का सिर्फ चीफ नहीं था बल्कि पूरी ईरानी जंगी तदबीर का हीरो था, मगर गले में गमछा डाले हुए हर जगह जुमला पहुंचना चाहिए, गले में गमछा, फिर मैं जुमला कह रहा हूं, मुझे दुनिया का कोई एक जनरल दिखा दो, दुनिया दुनिया का कोई एक जनरल दिखा दो कि जिसके गले में गमछा पड़ा हुआ मिल जाए, कोई एक जनरल दिखा दो कि
कि जिसके गले में गमछा ये गमछा नुमारीदा डाले हुए कोई एक मिल जाए, नहीं, मगर कासिम सुलेमानी शाम में नजर आए तो उसी गमछे के साथ, इराक में नजर आए तो उसी गमछे के साथ, ईरान में नजर आए तो उसी गमछे के साथ। पूछिए कि जनाब ये आपने क्या हुलिया बना रखा है, तो वो यही कहेंगे मैं अपने देखने में अपना वक्त नहीं लगाता, मैं कौम को देखने में अपना वक्त लगाता हूं। और इसी दीदारेजी का ये नतीजा था कि उन्होंने अबुल मेहदी अल मुहंदिस जैसे हीरो को तलाश कर लिया। और उसके बाद खुदा की कसम, हो सकता है हुकूमत मुझसे भी पूछे कि भाई ये कासिम सुलेमानी की गुफ्तगू क्यों हो रही है, ये आपके मुल्क का तो हीरो नहीं है। मैं कहूंगा हमारे मुल्क के जो भी हीरो हैं उन्हें मेरा सैकड़ों सलाम है, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनकी भी इज्जत करते हैं, उनका भी नाम लेते हैं, मगर कासिम सुलेमानी का जिक्र इसलिए हम कर रहे हैं कि वो ईरान का मुजाहिद नहीं था, इंसानियत का मुजाहिद। क्या सुन रहे हैं आप, तवज्जो है, वो इंसानियत का मुजाहिद था, जुमला रायगा ना करना, इंसानियत का मुजाहिद था। और वो ईरान को बचाने नहीं निकला था, दुनिया भर के मजलूमों को बचाने के लिए निकला था, दुनिया भर के मजलूमों को बचाने के लिए निकला था। ये गुफ्तगु सुन चुके हैं आप मुझसे भी, औरों से भी सुना होगा कि हिंदुस्तान की जो नर्सें दाइश के कब्जे में थीं, क्या दिलचस्पी थी कासिम सुलेमानी को उन्हें छुड़ाने की। सुषमा स्वराज वो भी चली गई, उस वक्त परेशान थी और फॉरेन मिनिस्टर थी, हिंदुस्तानियों को जवाब नहीं दे पा रही थी और हिंदुस्तान उनसे मुतालिबा कर रहा था कि वो हमारे मजलूम नर्सें, एक तो औरतें और दूसरे भी वो खिदमत गुजार औरतें, भाई नर्सें हैं, मुजाहिद नहीं है, जंगी आदमी नहीं है, लड़ने नहीं गई थी, वो तो खिदमत करने के लिए गई थी, और उन खिदमत करने वालों को दाइश ने पकड़ लिया। अब जुमला अगर रायगा ना करें तो मैं अर्ज करूं कि दाइश ने खिदमत गुजारों को, जो इंसानी खिदमत के लिए निकले थे, अपना मुल्क और अपना वतन छोड़ के जो इंसानी खिदमत के लिए निकले थे, उन्होंने दाइश को गिरफ्तारी में, उन्हें दाइश ने गिरफ्तार करके एक आईना तो दिखा दिया कि ये अमरीका जो दाइश को पनाह दे रहा है और असलहे दे रहा है, ये इंसानियत दुश्मन है। और ये इंसानियत सोच काम करने वालों को सपोर्ट कर रहा है। इस जुमले को आपने कबूल नहीं किया, जहां से मैं बात पहुंचाना चाहता था वहां से मैं आपको लिंक कर रहा हूं, जोड़ रहा हूं, उनकी मदद कर रहा था अमेरिका कि जो इंसानियत के दुश्मन थे। और जब उन नर्सों को गिरफ्तार किया, उन्होंने पकड़ लिया, कैद में रखा, तो कासिम सुलेमानी उन्हें हिंदुस्तान की गैर मुस्लिम नर्सों से मतलब नहीं था, तड़पती हुई इंसानियत से मतलब था। क्या सुन रहे हैं, मसला ये नहीं है कि वो गैर मुस्लिम थी, मसला ये नहीं है कि वो गैर मुल्क की थी, गैर मुल्क का और गैर मुस्लिम होना मसला नहीं था, तड़पती हुई इंसानियत नजर आ रही थी। मैं पूछूं कासिम सुलेमानी से, जुमला भाई पहुंचना चाहिए कि आपने ये गैर मुस्लिम और गैर मुल्की नर्सों पर अपनी जान की बाजी क्यों लगा दी, का यही तो दर्द करबला ने हमें दिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद, कासिम सुलेमानी ने ये भी तारीख साज चीज है, खुदा की कसम इस पर जितना भी फख्र कीजिए और नाज कीजिए वो कम है। अमेरिका में भी जनरल कर्नल हैं, हिंदुस्तान में भी जनरल कर्नल हैं, पड़ोसी मुल्क में भी जनरल कर्नल हैं, चीन जापान के बाद भी जनरल कर्नल हैं, किसी
जापानी कर्नल की कोई यादगार हिंदुस्तान ने मनाई? चलिए पाकिस्तान तो हिंदुस्तान का नहीं मनाएगा, वो तो खैर हमारा दुश्मन मुल्क है, है ना, और हिंदुस्तान पाकिस्तानी का नहीं मनाएगा, ये जेर बहस ही नहीं। चाइना भी हमें तंग किए पड़ा हुआ है, उसकी बात छोड़ देते हैं, मगर अमेरिका से तो अच्छी खासी दोस्ती हमारी चल रही है, है ना। आप कितना बेदार है मैं ये नहीं जानता। अमेरिका में क्या सारे जनरल आब हयात पी के आए? ऐसा नहीं है ना। तो वो मरते हैं, अफगानिस्तान में मरे, इराक में मरे, शाम में मरे उनके फौजी, हिंदुस्तान ने किसी की याद मनाई? नहीं। अभी पुलवामा में हमारे फौजियों को शहीद कर दिया जालिमों ने, अमेरिका ने कोई याद मनाई? ये काहे की दोस्ती है कि याद नहीं मना रहे हो? कहेंगे नहीं भाई, ये तो देखिए फौजी मामला है, वो अपनी मना ले, हम अपनी मना लें। यही हर जगह होता है कि हर फौजी अपने शहीदों को याद करता है। हमने कहा अगर यही उसूल है तो मुझे जवाब दो कि रूस के जनरलों ने कासिम सुलेमानी की बरसी क्यों मनाई? क्या सुन रहे हो? रूस के जनरलों ने अभी परसों की बात है, परसों की 3 तारीख की, जो ऐन तारीख की शहादत का दिन था, 3 जनवरी को रूस के जनरलों ने कासिम सुलेमानी की याद इस तरह बनाई कि पूरी एग्जीबिशन बनाई और उसके अंदर उनके फौजियों के जरिया बनाई हुई पेंटिंग कासिम सुलेमानी की लगाई गई और उसकी गुलपोशी की गई। मैं पूछूं भाई रशिया वालों, तुमको सुपर पावर हो, ये तुम्हें क्या पड़ी है कि एक छोटे से मुल्क के जनरल को याद कर रहे हो? वो यही कहेंगे हम सुपर पावर है ताकत के, ये सुपर पावर है इंसानियत का। सवाल किया गया उनके एक स्पोक पर्सन तर्जुमान मिलिट्री के, रशियन मिलिट्री के तर्जुमान ने कहा कि हम मर जाएंगे कासिम सुलेमानी को भूल नहीं पाएंगे। मैं नहीं कहता कि आप कितनी बरसी मना पाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 हैं? आप अपने शोहदा को भूल जाते हैं। वो जनरल कह रहा है कि हम मर जाएंगे मगर जितनी मुझे जिंदगी मिली है हम कासिम सुलेमानी को भुला नहीं पाएंगे। क्यों भाई? अब उसने एक स्टेटमेंट अपने फौजी अफसर का सुनाया। उसने कहा कि मैं शाम, इसराइल और इराक तीनों का बॉर्डर मिलता है, उस बॉर्डर पर ऑपरेशन में थे रशियन और हमारा मुकाबला था अमेरिकन फौजी स्ट्रेटजी से। अमेरिका शाम को तबाह करने के लिए था बनामे दाइश, बनामे दाइश, और हम शाम को बचाने के लिए थे बनामे दाइश, है ना। हम दाइश को खत्म कर रहे थे और अमेरिका दाइश को सपोर्ट कर करके और शाम को हदफ बनाए हुए था। अब शाम और रशिया का अपना मुआहिदा है,
इसी एतबलिए देखिए, जब भी रशा होता है शाम के लिए खड़ा हो जाता और अमेरिका और इसराइल नहीं चाहता। अब इतनी बातें सुनाने का ना वक्त है ना आसानी से मैं समझा पाऊंगा चंद लफ्जों में। और वहां मैं जब पहुंचा ऑपरेशन में, देखिए ये फौजी ऑपरेशन है, ये टेबल पर किसी फोड़े का ऑपरेशन नहीं है। हाँ ये ख्याल रहे, इसको जहन में रखिएगा, जो बार बार ऑपरेशन ऑपरेशन पढ़ रहा हूं इसे फौजी ऑपरेशन ही बोला जाता है। तो जहन में ये ना हो कि पांच डॉक्टर ऐसे खड़े हुए हैं, लाइट लगी हुई है और सब छुरी दिए हुए उस ऑपरेशन फोड़े को देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। ये जिस्म का फोड़ा नहीं है, ये जमीन के फोड़े। ये ऑपरेशन जो है ये जमीन के फोड़े हैं जिन्हें खत्म करना होता है। तो कहा मैं बड़ी मुश्किल से एक चौकी तक पहुंचा तो वहां मैंने देखा कि सामने अमेरिकन्स खड़े हुए हैं और उसके पीछे उस चौकी के पीछे, अब पीछे का मतलब 5 किलोमीटर भी हो सकता है, 10 किलोमीटर भी हो सकता है, उसको चौकी पीछे कुछ पनाहगाहें थी जहां मजबूर मजलूम रखे गए थे, यानी जिनके मकान टूट गए मिसाइलों से, उससे जख्मी हो गए, तो वो कहीं ना कहीं शेल्टर होम कह लें ना बनाए जाते थे। हमें उसका मुआयना करना था, इसलिए भी कि उसमें हमारा कोई फौजी तो नहीं है, इसलिए भी कि हमारी उन मजलूमों को मदद, मुस्तफीन की मदद करनी है तो कैसे कर सकते हैं। मगर हमें अमरीका जाने नहीं दे रहे थे और मैं बहुत परेशान था। तो मैं पलटा, जब मैं पलटा तो मैंने एक पहाड़ी की आड़ में देखा कि चंद फौजी खड़े हुए हैं, अब ये शाम के अंदर का बॉर्डर है, और वही जमीन में एक शख्स है जो इस तरह से ठुड्डी पे हाथ रखे हुए बैठा हुआ है। अंदाज ऐसे ही लग रहा था कि हो सकता है किसी किस्म के फौजी वौजी हो। मैं उनसे करीब से गुजरा अंदाजा लगाने के लिए, शाम के फौजी हैं या कोई जैसे कि गरोह होता है इनकलाबी, है ना, उस तरह का कोई गरोह है क्या है। तो हमारे साथ एक तर्जुमान था, ये रशियन है तो ये अरबी तो जानते नहीं, हमारे साथ एक तर्जुमान था ट्रांसलेटर, उससे मैंने कहा कि जरा मालूम करो, अंदाजा लगाओ ये कौन लोग हैं। तो उसने जब उनसे गुफ्तगू की तो यही शख्स जो नीचे बैठा हुआ था खामोशी से, कुछ फौजी जो है इधर खड़े हुए थे, उसने कहा हमारे बारे में ना पूछो, अपनी मुसीबत बताओ क्या है, हमारे बारे में मत पूछो, अपनी मुसीबत बताओ कि क्या है। अब समझ में आया, मुश्किल पूछा के मानने वाले अपनी मुश्किलों पे नहीं रोते, दूसरे की मुश्किल। सलावत पढ़े मोहम्मद आले। मैंने उससे कहा मेरा मसला है कि ये अमेरिकन जो है ये चौकी पे तैनात है और हमको एंट्री नहीं दे रहे हैं कि हम उधर जा सकें, और हमें उधर के जो शेल्टर होम बने हैं उनका जायजा लेना और वहां तक पहुंचना मेरा बहुत जरूरी है और ये ऑपरेशन में हमारे शामिल है। तो उस शख्स ने बड़ी आसानी से कह दिया, घबराओ नहीं, तुम्हारा काम हो जाएगा। कि जिस ऑपरेशन के लिए हम कई जाविये से पूरा प्लान किए हुए और कामयाबी नहीं मिल रही है, उस आदमी ने जो बैठा हुआ था कहा कि जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। तो मैंने उसके वादा करने पे यकीन ही नहीं किया, उसके वादा करने पर यकीन ही नहीं किया कि इतना मुश्किल काम और इतनी आसानी से कह रहा। तवज्जो है। अब उसके बाद अब ये मसला है अपना, क्या कहें, सियासी मसला है या स्ट्रेटजिकल मामला है कि उसने ये नहीं बताया कि तरीका क्या अपनाया। मगर अब वो ये कहता है कि उस आदमी ने इतने मुश्किल काम का
जितनी आसानी से किया था हमें उससे ज्यादा आसानी से उधर पहुंचा दिया कि हमें ये काम मौजजा नजर आने लगा। मेरिकल मेरिकल कर रहा था वो उस आदमी ने, मेरिकल किया, मौजजा किया। तवज्जो है तो आप महसूस कीजिए कि ये अली के चाहने वालों का जब अमल मौजजा नजर आने लगे तो फिर अली का मौजजा कहाँ होगा। सलात पढ़े मान बात सिर्फ वही एक है कि वो शख्स इंसानियत का अलमदार था, शराफत का अलमबरदार था, मजलूमों का साथी था। दूसरा जो मसला है कि जिसकी वजह से रशियन ने बरसी मनाई कासिम सुलेमान ने, रशियन ने वर कर रहे हैं आप, तो कोई मामूली बात नहीं है। जितने अंदाज से मैं पढ़ पा रहा हूं तो समझ लेंगे मैं कुछ पढ़ ही नहीं पा रहा हूं, फिर मैं कैसे कहूं कि आप उस मेयर से समझ पा रहे हो। किसी दूसरे मुल्क के जनरल और फौजी की बरसी किसी दूसरे मुल्क में, गौर कर रहे हैं आप, ये कितनी बड़ी बात है इसे बयान ही नहीं किया जा सकता। कहता है कि जब, अब ये हुकूमत के स्पोक पर्सन की बात है, कि जब अमेरिका लड़ रहा था तो हमारा एक जहाज मार दिया था दाइश वालों ने, उसमें हमारा एक पायलट शहीद हो गया और एक पायलट ग्राउंड हो गया, यानी जमीन पर उतर गया। ग्राउंड होना तो आपने देखा ही होगा ना, अभी एक साल पहले की बात है, कि ग्राउंड हुआ फौजी कैसे आता है। आप महो ज्यादा हैं या बेदार नहीं है, सलवात पढ़ ले मोहम्मद महो ज्यादा है। देखिए तारिक साहब ने कहा कि हम लोग महो ज्यादा, चलिए हम शुक्रगुजार हुए आपके इसी महदियत से, सुने तो मैं बात आगे पहुंचाऊं। एक पायलट मेरा मालूम है, किसी मुल्क का फौजी शहीद हो जाए तो उस मुल्क की बड़ी जिम्मेदारी होती है उसके जनाजे को शाम से लाना और शाम से दफनाना। पूरी रशा, रशा सुपर पावर है भाई, पूरी रशियन हुकूमत इस पर लग गई कि हम अपने फौजी को भी बचा के लाएं जो जिंदा ग्राउंड हो गया है और उसका जनाजा भी ले लें। हमने हेलीकॉप्टर्स भेजे, उसे भी दाइश और अमेरिका ने मार के गिरा दिया, लिहाजा हम खौफजदा हो गए कि हम एक जनाजे के चक्कर में, हमने तो कई जनाजे देख लिए। उस वक्त जिस आदमी ने खुद से मदद की पहल की उसे कातिल सुलेमान। और कर रहे हैं आप, जनाजे किसके हैं, लड़ाई किसकी है, और कहा वो तनहा कासिम सुलेमानी है कि जिसने हमें हमारा मुर्दा भी दिलाया जिंदा भी दिलाया। सलावत पढ़े मोहम्मद, बस यहीं से गुफ्तगू समेटते हुए आगे बढ़ता चलूंगा कि कासिम सुलेमानी एक तारीख का नाम है, कासिम सुलेमानी एक फर्द का नहीं एक किरदार का नाम है। कासिम सुलेमानी शहादत वाली रात सैयद हसन नसरुल्लाह से मिलने गए थे, एक घंटे की खुफिया अपनी कोई मीटिंग थी, वो मीटिंग की खुफिया क्या मतलब से फौजी तो खुफिया ही बात तो करेगा, और उसमें मसला क्या था, मसला वही है जो पूरी धरती का फोड़ा है जिसे इसराइल कहते हैं। बड़ा कीमती जुमला है, उनका हक नहीं दे रहे, बस उसी के ऑपरेशन की बात थी। चलिए अब जुमला फिर सब करता हूं, शायद इस जुमले की वो जुमला वजाहत कर सके।
तो उसके बाद निकले हम लोग, तो वो कहते हैं हम लोग चार साथी थे, और चार साथी अबुल मेहदी मुहद्दिस भी। जब बाहर आए तो हम लोगों ने उनसे कहा कि ना इराक मत जाइए, इसलिए कि जाहिर कहीं ना कहीं से अंदाजा तो था ही इन लोगों को कि कुछ हादसा हमारी जस्तजू में है। तो उन्होंने हंस के कहा कि क्या तुम लोग हमारी शहादत से डर रहे हो? कहा नहीं, शहादत तो हमारा इफ्तिखार है, शहादत तो हमारा इफ्तिखार है, हम अपनी जरूरत से डर रहे हैं। हम अपनी जरूरत के लिए डर रहे हैं, इसलिए कि आप हमारी जरूरत है, आप चले जाए तो शहादत मसला नहीं है। फिर उन्होंने दूसरी तीसरी बातें शुरू कर दी, और उसके बाद फिर घुमा के एक बात कही, ए तुम्हें मालूम है? क्या है? का सुनो, ये जब फल दरख्त में पक जाता है ना, तो बागबान को चाहिए कि उसे तोड़ दे, अगर तोड़ेगा नहीं तो वो फल उसके अंदर और पक के बदजायका हो जाएगा, और फिर वो खुद ब खुद एक दिन धराम से गिर जाएगा, फिर उसकी कोई कदर नहीं रह जाएगी। क्या कितनी बड़ी बात वो आदमी तशबीह में कह रहा है, फिर उसकी कोई कदर नहीं रह जाएगी। अच्छा यही है कि जब बिल्कुल पक जाए फल तो उसे तोड़ लिया जाए, और ये कहते कि उसे तोड़ लिया जाए वो हंसे, और हंसने के बाद कहा मैं भी पक गया हूं, ये भी पक गया है, वो भी पक गया है, अब सब पके हुए फल है। ये ख्वाहिश थी शहादत की, ये ख्वाहिश थी शहादत की। मोहसिन फखरी ज़ादा से मिलने के लिए कासिम सुलेमानी आए, मीटिंग हो रही है, लोग भी हैं, कैमरे भी चल रहे हैं, अचानक कासिम सुलेमानी ने हाथ पकड़ लिया मोहसिन फखरी ज़ादा का, और हाथ पकड़ने के बाद कहा आपसे मुझे एक वादा चाहिए, और कैमरे के सामने चाहिए ताकि मुकर न सकिए। हंस के कहा कैमरे के सामने, देखिए कैमरा चल रहा, गवाह बन रहा है, आपसे एक वादा चाहिए ताकि आप मुकर न सकिए। क्या वादा आप मुझसे लेना चाहते हैं? का वादा ये लेना चाहता हूं, कासिम सुलेमानी कह रहे वादा ये लेना चाहता हूं कि आप रोजे महशर मेरी सिफारिश करेंगे, इससे पहचानिए कि वो शख्स काम कितना बड़ा कर रहा है। कासिम सुलेमानी मोहसिन फखरीज़ादा से कहते हैं कि आप रोज़े महशर मेरी अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करेंगे, इसलिए कि आपका काम अल्लाह की निगाह में बहुत मकबूल काम है। जैसे ही जुमला पूरा हुआ, फखरीज़ादा ने जो कुर्सी पे बैठे थे नीचे बैठ करके उनके पैरों को पकड़ लिया, कहा नहीं मैं तो आपकी नौकरी कर रहा हूं। मोहसिन फखरीज़ादा कहते कि मैं तो आपकी नौकरी कर रहा हूं, मैं जो कुछ यहां कमरे में बैठ के तैयार करता हूं महाज पे तो इस्तेमाल आप करते, मैं तो आपकी नौकरी कर रहा हूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि आप मेरे लिए सिफारिश करेंगे। देखिए ये है बड़े कद के लोग, बड़ी फिक्रें हैं, खुला हुआ दिल है, खुला हुआ जहन है, इनके जहन में एक बात है, इज्जत अल्लाह देता है, जरूरत अल्लाह देता है, हमारे कमाए इज्जत नहीं मिलेगी, और हमें कोई अल्लाह नहीं चाहे तो जलील नहीं कर सकता। ये शहीद जिससे भी मिलता था उससे कहता था कि हमारी शहादत के लिए दुआ करो। कासिम सुलेमानी और अबुल मेहदी अल मुहंदिस दोनों गए हसन नसरुल्लाह से मिलने। अबुल मेहदी अल मुहंदिस कहा करते थे हसन नसरुल्लाह
मेरा आइडियल है। महसूस कीजिए भाई, ये दूसरे मुल्क का फौजी है, वो दूसरे मुल्क के मौलाना है। गौर कर रहे हैं आप? इससे ये भी समझिए कि असल में आलम दीन को कैसा होना चाहिए। एक फौजी एक सिपाही कह रहा है जो एक मुल्क की क़यादत कर रहा है, उसकी हिफाजत कर रहा है। अबुल मेहंदी और कासिम दोनों ही थे और मुलाकात की हसन नसरुल्ला साहब से, बस ये आखिरी बात। और मुलाकात करने के बाद जब बात मुकम्मल हो गई तो अबुल मेहंदी ने गोया कासिम सुलेमानी और अपनी बात सामने रखी, कहा हुजूर हमारे सर और दाढ़ी पे बुढ़ापा छा गया है। फोटो देखी है ना दोनों की? अबुल मेहंदी अल मुहंदिस उम्र में इनसे बड़े थे, कासिम सुलेमानी से उम्र में बड़े थे। आपने देखा होगा उनके बाल भी सफेद थे और दाढ़ी भी सफेद थी। का आका हमारे सर और दाढ़ी पे बुढ़ापा तारी हो गया है और बड़ा अफसोस हो रहा है कि दाइश का ऑपरेशन भी खत्म हो गया है। सुनिए सुनिए, मेरे सर और दाढ़ी के ऊपर बुढ़ापा तारी हो गया है और बड़ी फिक्र लाहिक है, अफसोस हो रहा है अपने ऊपर कि दाइश का ऑपरेशन भी खत्म हो गया है। हुजूर हम शहीद कैसे होंगे? सुना आपने? दाइश भाई एक यही तो ललक थी कि दाइश के साथ लड़ रहे हैं तो कोई ना कोई गोली हमारे भी काम आ जाएगी। मगर जब मुजाहिद इस तरह खड़ा होता है ना तो गोलियों के रोह बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, कोई गोली काम नहीं है। कहो हुजूर फिर हमें शहादत कैसे मिलेगी? इसलिए कि मुझे बिस्तर पे मरना पसंद नहीं है। बिस्तर पे मरना पसंद नहीं है। उनका कहना क्या चाहते हो? कि आपसे मैंने इतनी बात सिर्फ इसलिए की है कि आप मेरी शहादत की दुआ करें। और क्या? आप मेरी शहादत की दुआ करें। उधर शहादत की दुआ कराई, इधर दुआ कबूल हो गई। ये चंद दिनों पहले की बात है, इस शहादत से चंद दिनों पहले की बात। वो बात जो मैंने पके फल वाली बताई है वो तो चंद घंटों पहले वाली बात। शायद नमाज शब के वक्त की बात है जो उन्होंने की है और सुबह सादिक के बाद जो है ये वाकया हुआ है। और क्या? आपने मेरे लिए दुआ कीजिए। और हसन नसरुल्ला ने शहादत की दुआ की। पता नहीं मैं अपनी बात पहुंचा पाया कि नहीं। जीने के लिए मरना और है, मरने के लिए जीना। तो क्या सुन रहे हैं आप? क्या सुन रहे हैं आप? फिर जुमला दोहरा रहा हूं कि जीने के लिए मरना और है और मरने के लिए जीना और है। वो सगे दुनिया है जो जीने के लिए मरे जाते हैं, ये अल्लाह वाले हैं जो मरने ही के लिए जिंदगी गुजारते हैं। सलात पढ़े मोहम्मद, बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं यहीं से, नाश्ता सुनाते रहेंगे आप यकीनन, मुझे यकीन सुनते रहेंगे, मगर एक गुफ्तगू हद में हो तो अच्छा है। अजीजो कासिम सुलेमानी क्या थे और उन्होंने अपने किरदार की स्ट्रेटजी बनाई कहां से? बस यही आखिरी बात है जो मैं
बात पेश कर रहा हूं इसे तशबीह मत समझिएगा, इसे किरदार के लिए दर्श लेने का सलीका समझिएगा। तो जो है जनाब कासिम सुलेमानी ने अपनी लाइफ स्टाइल, अपनी स्ट्रेटजी लाइफ की, अपने जीने का तरीका, अपने लोगों की मदद करने का तरीका कहां से हासिल किया? जबकि तवज्जो रखिएगा, किसी को डांटते नहीं थे, किसी पे रोब झाड़ते नहीं थे, मुनकसिर इतने थे कि जब हिंदू शाबी में गए हैं मुलाकात के लिए तो जाहिर है कि लोग अपना आइडेंटिफिकेशन बता तारुफ के साथ नहीं जाते थे कभी भी कि मैं फला हूं, कर्नल हूं, ये हूं। तो ऐसे ही वही गमछा डाले हुए और जा करके मिले तो एक सोल्जर था, एक सिपाही था नौजवान 20-22 साल का। उसने कहा एक तो ये ईरानी, वो इराकी है ना, ये दूसरे मुल्क के, दूसरे मुल्क के। कहने लगे ये कौन? अच्छा वर्दी पे आपने देखो ना, बड़े स्टार ना बैज ना यहाँ झालर ना यहाँ घुंघरू, कुछ भी नहीं। कहने लगे ये हमारा ऑफिसर कैसा आदमी है कि इतने मामूली आदमी को इतनी इज्जत दिए जा रहा है हुजूर और जनाब कह रहा है। नहीं बात अच्छी भाई, ये इनका ऑफिसर है तो जानता है कि मेरा ऑफिसर अबुल मंजिल मोहल्लिक कितने बड़े आदमी है, कितने बड़े अहदे पे है। और वो कासिम सुलेमानी को हुजूर जनाब सरकार आइए, एक मामूली सिपाही को ये इतनी इज्जत क्यों दिए जा रहे हैं? तवज्जो है। और उसे चिढ़ सी होने लगी इनसे। जब कासिम साहब ने उसके तेवर का देखिए, बड़े आदमी की निगाह भी बड़ी होती है, निगाह भी बड़ी होती है। जब उसके तेवर की तब्दीली देखी, महसूस कर लिया, तो उसे अलग से बुला के गले मिलाया। और जब उसे बाद में मालूम हुआ कि ये कोई और नहीं कासिम सुलेमानी है, तो वो इस पर रश करता था कि कासिम सुलेमानी ने हमें गले लगाया। शायद बात पहुंच गई जो मैं पहुंचाना चाहता था। तो फिर मैं करूं कि ये उन्होंने लाइफ स्टाइल कहां से अख्ज की, वो वजूद में हैबत कहां से आई? फिर बात पहुंचाऊं मैं, वजूद में हैबत कहां से आई? जंग कब से चल रही है? बरसा बरस से, दसियों बरस से जंग चल रही है। गौर कर रहे हैं आप, ये सिपाही, ये सब रिटायर्ड एज के ऊपर के सिपाही फौजी है ना, कासिम सुलेमानी वगैरह कोई 40-45 साल के नहीं है। ये लोग कब से अपने वजूद से जंग कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, एक तारीख बना रहे हैं। दाइश की पूरी का जमाना है, सद्दाम का पूरा जमाना है, इसराइल के मामलात और जंगे, इन सबको एक तरफ रखिए। और अब मैं जुमला हवाले कर रहा हूं कि जब तक कासिम सुलेमानी जिंदा थे, न सऊदीया के पास कलेजा था कि वो इसराइल को दावत दे सके, न इसराइल के पास हिम्मत थी कि वो यूएई और सऊदीया से मुसालहत का पैगाम दे सके। ये हैबत कासिम सुलेमानी की थी। क्या ये उस वजूद की हैबत थी कि इनके पित्ते पानी थे, हिम्मत नहीं थी। मगर कासिम सुलेमानी शहीद क्या हो गए कि ये भेड़िए बिलों से निकल आए, मानो से निकल आए। ये भेड़िए अपनी अपनी मानों से निकल आए कासिम सुलेमानी की शहादत का आखिरी जुमला। और फिर मैं उस मंजिल पर आ जाऊंगा एक जुमले के साथ, कासिम सुलेमानी की वजूद का असर था ये कि इसराइल के भेड़िए अपनी मानों में छुपे हुए थे। और कासिम सुलेमानी की शहादत का
नतीजा ये है कि अमेरिका में ओबामा से लेके और डब्ल्यू बुश के बाद बुश तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए सब दो दो टर्म प्रेसिडेंट हुए, मगर कासिम सुलेमानी को मारने के बाद ये ट्रंप एक बार के बाद तख्त का मुंह न देख सका। ये शहादत का नतीजा है, ये कासिम सुलेमानी की शहादत का नतीजा है। कोरोना और रोना कुछ नहीं है, ये तो पहले ही कोरोना है। सलवात पढ़ ले मोहम्मद पढ़िए, मुतालिया कीजिए, गौर कीजिए। अगर कासिम सुलेमानी की शहादत वाकई नहीं हुई होती और ये स्ट्रेटजी तब्दील नहीं होती तो बुश साहब, ये ट्रंप साहब को शायद एक और ट्रंप कार्ड मिल जाता, मगर चूंकि नाम वहीं से रखा गया है इसलिए मैं इस जुमले को पढ़ रहा हूं। मगर ये उसकी शहादत का असर था कि इसे फिर दूसरी बार तख्त ताज नसीब नहीं हुआ। वो हैबत थी कासिम सुलेमानी की कि ये भेड़िए अपनी अपनी मांदों में थे। कहां से ये हैबत सीखी थी? कासिम कहेंगे करबला से। करबला में एक ही तो साहिब हैबत था जिसने अपने को हुसैन का भाई कहा ही नहीं, अपने को हुसैन का गुलाम कहा, अपने को हमेशा हुसैन का गुलाम कहा। मोहब्बत ही इतना कि हुर मुसीबत में हो तो चला जाए, हुर को साथ ले आए, जुहैर को बुला के लाना हो तो खैमे तक चले जाए। खिदमात पे जरा निगाह कर ले तो मैं लफ्ज पढ़ू। जुहैर को बुलाना था तो जौन को नहीं भेजा, हुसैन के अपने के गुलाम थे किसी को नहीं भेजा, अपने किसी बेटे को नहीं भेजा, भेजा तो आका अब्बास को। जब हुर पेशरे साहब की तरफ से आ रहा था तो हुसैन ने अब्बासी से कहा था भैया मेरा मेहमान आ रहा है, प्यासा हुर नजर आ जाए तो हुसैन अब्बास से ही कहे जाओ भैया मशकीजों के दहाने खोल दो। और कर रहे हम ये अब्बास है मकाम खिदमत में, और वही अब्बास जब मकाम हैबत में नजर आता है तो शब आशूर मस्तुल्ला पहुंच जाए, रब्त मसायब बात तमाम कर दूंगा। शब आशूर उमर इब्ने साद के खैमे में जितने सिपह सालार थे सब बैठे हुए हैं, शिमर भी सिपह सालार था अपने साथ कई हजार का लश्कर लेके आया था, खुली भी सिपह सालार था अपने लश्कर का कई हजार का लश्कर वो लेके आया था, इन सब का सिपह सालार बाद में उमर साथ बना। सनान इब्ने अनस भी सिपह सालार था कई हजार का लश्कर उसके साथ भी था। ये जितने भी थे शिमर खुली सनान उमर इब्ने साथ ये सब खेमे में बैठे थे और शब आशूर और दूसरे दिन की जंग का मिजाज बनाया जा रहा था, कैसे जंग लड़ी जाए स्ट्रेटजी बनाई जा रही थी। और जब कोई खाका बनता कि इन्हें मैसरा पे रखना, उन्हें मैमना पे रखना, ये फौज यहां लगाना वो फौज वहां लगाना और हुसैन के लश्कर पर मैमना से हमला कर देना, मैमना लड़ रहा होगा मैसरा इधर से संभालेगा, कल में लश्कर एक तरफ मुकाबला करेगा। और जब ये स्ट्रेटजी बन गई तो किसी ने उसी में से कहा अगर मैमना ही पर हुसैन ने अब्बास को खड़ा कर दिया तो क्या होगा, जायचा फाड़ दिया गया, दूसरा क्या होगा, अगर कल में लश्कर पे अब्बास रहे तो क्या होगा, रात गुजर गई हमले का उसूल न बन सका, इसलिए कि वजूद अब्बास किसी को सोने नहीं दे रहा था।
खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम इमाम मजलूम में। खाजादारो अब्बास एक नाम नहीं, एक किरदार सीखने के लिए, समझने के लिए, वजूद साजी के लिए, पैकर साजी के लिए, किरदार साजी के लिए। अब्बास एक किताब है, अब्बास एक नाम है। बस पढ़ चुका, मसायब सुन लो। कहां से पढ़ू? हुसैन ने सुबह से बाद जोहर तक 70 लाशें 10 घंटे में उठा लिए। कितने? ज्यादा से ज्यादा 10 घंटे में हुसैन ने 70 लाशें उठाई। कितने? 70 लाशें। और हर लाशा हुसैन ने अपने हाथों पर इस तरह उठाया, मगर क्या 70 लाशें उठा के हैं? हुसैन ने एक बार कहा, अब हुसैन थक गया। 70 लाशें उठाने के बाद भांजों के लाशें, भतीजों के लाशें, बच्चों के लाशें, अपनी आगोश में पालों के लाशें, दोस्तों के लाशें, अहबाब के लाशें, सहाबियों के लाशें, अंसार के लाशें, नौजवानों के लाशें, बूढ़ों के लाशें, 70 लाशें उठाने के बाद भी हुसैन ने ये नहीं कहा कि हुसैन थक गया, मगर एक अब्बास, जैसे ही अब्बास ने आवाज दी, आका गुलाम का सलाम कबूल करे, हुसैन कमर पकड़ के बैठ गए। हुसैन की ताकत का नाम अब्बास था। हुसैन की ताकत का नाम अब्बास था। अब्बास ने सलाम क्या किया कि हुसैन कमर पकड़ के बैठ गए। अगर अदादारों रोने का जी चाहे तो सोच के इसी बात पर रो लेना। अब इससे बड़ा मेरे पास मसायब का जुमला नहीं है। 70 लाशें तासीब जैसे गोक के पाले का लाशा, पामा लाशा हुसैन लेके आए थे, नौजवानों का लाशा अब्बास के 3 जवान भाई, 22 साल का लाशा, 26 साल का लाशा, 28 साल का लाशा हुसैन,